बीसीसीआई ने किया भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज घोषित। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच के अलावा 5 मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान कर दिया है, जहां पर कंगारू टीम भारतीय टीम को टक्कर देने भारत दौरे पर आएगी। दोस्तों आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस धमाकेदार सीरीज का पूरा कार्यक्रम, कब ये मुकाबला खेला जाएगा और कौन कौन से शहर में ये महामुकाबला होगा, बताएंगे सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और हार्दिक में कौन है भारत का सबसे बेस्ट कप्तान? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब भारतीय टीम का काफी व्यस्त दौरा होने वाला है। वेस्टइंडीज आयरलैंड से भिड़ने के बाद हमारी भारतीय टीम एशिया कप में हिस्सा लेगी, जहां पर रोमांच की सारी हदें पार होने वाली है, क्योंकि यहां पर हमारी टीम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ भिड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ होने वाला मुकाबला इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला होगा। आपको बता दें इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें दो बार आपस में टकराएंगे, एक तो लीग मैचों में दोनों का आमना सामना होगा और फिर फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो सकती है। वही दोस्तों इस टूर्नामेंट के खत्म होते ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी और इसी के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करने वाली है और इस दौरे पर उसे टीम इंडिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। हालांकि 3 मैचों की वनडे सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले खेला जाएगा, लेकिन 5 मैचों की टी20 सीरीज वर्ल्ड कप के बाद खेला जाएगा। आपको बता दें दोनों टीमों के बीच पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 22 सितंबर को मोहाली में होगा, वही दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को इंदौर में खेला जाएगा, जबकि अंतिम और फाइनल मुकाबला 27 सितंबर को राजकोट में होगा। वही इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 23 नवम्बर से होगा। दोस्तों 23 नवम्बर को पहला मैच विशाखापट्टनम में होगा, जबकि दूसरा टी20 मुकाबला 26 तारीख को और तीसरा 28 तारीख को होगा। वही चौथा टी20 मैच 1 दिसंबर और अंतिम मुकाबला 3 दिसंबर को होगा और इसी के साथ ही इस सीरीज का अंत भी हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या से टीम इंडिया की कप्तानी वापस भी लिया जा सकता है, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में एक संबोधन के दौरान बताया था वो वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों के वजह से टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट के हिस्सा नहीं है, ऐसे में हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई है, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के बाद से फिर से रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं, जिसके बाद से बीसीसीआई दोबारा से उनको टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट की कप्तानी दे सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला टी20 सीरीज की शुरुआत 23 नवंबर को होगी और ये सीरीज 3 दिसंबर तक खेली जाएगी। इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सकता है।